ग्रैनी सीट लैंड इन अदर कैस्टल टू। ओ नन्ना सच में ग्रैनी सीट आ गई क्या? और फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अभी अभी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। अरे बिल्ली के बच्चे रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा और ग्रैनी की करूंगा डाक टिकट क्यों चाहो। चलो कोई बात नहीं यार, तुम भी आ जाओ, मगर ध्यान रखना यार, यहाँ पर रहती है ग्रैनी की बच्ची, क्योंकि यहाँ पर स्लैंडर भी होने वाली है यार और ग्रैंडपा भी होने वाला है यार। अरे ये क्या बवा, इतनी बड़ी इमारत, अरे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी बवा, इस बिल्डिंग तो मैंने सपने के अंदर भी नहीं सोची थी, वैसे ही ग्रैनी ने बना ली क्यों चाहो। ओ बिल्कुल सही बोला मिन्ना, ये किसका घर है? ओ स्लैंडर का रूम तो नहीं ना ये भैया, मुझे क्या पता यार, वो तो अंदर जाके पता चलेगा ना यार। ओ बिल्कुल सही बोला बवा, मगर यहाँ पे ग्रैनी तो नहीं दिखाई दे रही है, मुझे लगता है बवा घर के अंदर तो नहीं होगी ना क्यों चाहो। और मुझे भी यही लगता है बवा, भाई घर के अंदर ही होने वाली है। और मगर इस घर को मैं पूरी तरीके से देख लूं मिन्ना, कितना शानदार घर बनाया है ग्रैनी ने। अरे बिल्ली की बच्ची तुमने बिल्कुल सही बोला, और ये ग्रैनी का घर तो एकदम कमाल का, और धोती भर के रुमाल वाला दिख रहा है मम्मा, मगर अंदर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगता है मुझे अंदर जाना पड़ेगा। अरे कहाँ गई ग्रैनी, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाना बाहर के सर में क्यों क्या। और पागल बाप के बच्चे ऐसी नहीं आएगी ग्रैनी, मुझे लगता है मुन्ना और सामने वाली कबर के अंदर है। और ये क्या मुन्ना, और कॉफिन के अंदर ये कौन सोया हुआ है? ये भैया मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है यार, कॉफिन के अंदर भैया कोई तो है यार। अरे बिल्ली के बच्चे मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ में, मेरी तो फटके फ्लावर हो गई। अरे नहीं बिल्ला नहीं, कॉफिन के पास मत जाओ वरना हमारी हो जाएंगी। अरे ये क्या बोला, स्लैंडर में भी आ गई क्या? और ये क्या मुन्ना, स्लैंडर आ गई, और जल्दी से भाग जाओ मुन्ना वरना हमारी ऐसी ऐसी हो जाएगी। भैया ये तो हमारे पास ही आ रही है, और जल्दी से भागो भैया वरना स्लैंडर में भी हमें कच्चा चबा जाएंगी। और मुन्ना नहीं चबा जाएंगे, टेंशन क्यों लेता तेरा भैया है ना। और अजय स्लैंडर आ जाओ, तेरी तो ऐसी की तसी तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, और नींबू की ऐसी निचोड़ भी दूंगा। अरे बिल्ली की बच्ची कहीं ऐसा ना हो जाए, इस लड़ने ना बेबी की बच्ची तुझे ही मरोड़ के रख दे क्यों चाहूं। ओए मन्ना मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू इस पागल बाप को अपने साथ में लेके क्यों आता है, मैं सब दिमाग का बाजी पाला करता रहता है मन्ना। अरे बिल्ली की बच्ची मैं दिमाग का बाजी पाला नहीं, तुम ही दिमाग का बाजी पाला कर रहे हो ना। अरे देखो बाबा इसके पीछे मत जाओ वरना ये हमें देख लेंगी। और ये क्या बाबा, इसके सामने तो लाइट भी ऑन हो रही है, अरे इसका मतलब बाबा ये तो कोई बुरी आत्मा लगती है क्या क्या। हे भाओ तुमने बिल्कुल सही बोला भाई, आओ जल्दी से भागो ना यार। ओ चुन्नू कहेगा तू इस पागलों की बातों में क्यों आ रहा है, ये झूठ बोला है मन्ना, और ऐसा कुछ भी नहीं आत्मा नहीं है मन्ना, ये स्लैंडर है। अरे बिल्ली की बच्ची तुम भी कितने बुद्धू हो, अरे ये पागल आत्मा नहीं तो क्या, देखो ना बोला हमारे पीछे तो जान धोखे पड़ी है, अरे भागो बिल्ली भागो वरना हो जाएंगी हमारी ढकड़ी के क्यों क्या। और ये क्या मन्ना, ये तो हमारे नीचे आ गई, और ये क्या मन्ना अब क्या होगा। हे भैया ये तो हमें कुछ भी नहीं करी यार, और जोनो कहकर मैंने बोला था ना मैंने ये कुछ भी नहीं करेगी। मगर बिल्ली के बच्चे तुम बैटमैन क्यों बन गए हो, नीचे उतरो ना उसका सामना करो ना, इतने भागे क्यों जा रहा, तुम्हें इतना डर काहे को लग रहा है स्लैंडर बेबी से, अगर ये आत्मा नहीं तो क्या है। अरे ये क्या मम्मी सामने आ गई, अरे उसका मुंह तो देखो वो कितना खतरनाक है, अरे ये तो पागल बन के हमारे पीछे पड़ गई इसका क्या। ओए पागल बाप के बच्चे अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना, और तो हमारे साथ में को आया, और इसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें कुछ भी नहीं करेंगी, और मन्ना ये सिर्फ हवा में उछालती है देखो मन्ना। ए भैया आपने बात तो बिल्कुल सही बोली यार। अरे बिल्ली उछल के क्या ही कर लोगे, अरे यहाँ पे ऊपर वाले रूम में जाओ ना, ऊपर वाले रूम में कुछ ना कुछ होने वाला है, अरे वो देखो बाबा सीढ़ियों से ऊपर एक रूम भी है, यहाँ पे देखते बाबा यहाँ पे कौन कौन से सामान मिलने वाली है, और अभी तो ग्रैनी ग्रैंडपा भी नहीं मिले क्या। इतनी बड़ी स्लैंडर की तस्वीर, और ये तो मुन्ना आधी कटी हुई है, इसका मतलब मुन्ना कोई डाल में काला लगता है। भैया ये क्या यार, स्लैंडर बेबी का टेडी तो इधर पड़ा है यार, ओए मुन्ना उसके छूने की कोशिश मत करना, और यहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं मुन्ना, ये किसका रूम है ये, और ये यहाँ पे होने क्या वाला है। अरे बिल्ली के बच्चे ऊपर तो देखो
देखो, अरे ऊपर तो कोई रास्ता है, लगता है बल्ला के बच्चे हमें जैसे ग्रानी टू में ऊपर चढ़ते थे ना, वैसे ही बल्ला यहाँ पे भी एक रास्ता है, मगर यहाँ पे तो सीढ़ी भी नहीं है, ऊपर कैसे जाएंगे? क्यों और पागल बाप के बच्चे, मैं भी इस घर में नया आया हूँ, मुझे क्या पता। और मिलना इसको चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी को लाना पड़ेगा। ए भाई हम अभी कितने पागल हो यार, इतने घने जंगल के अंदर इस ग्रानी का हाउस है यार, भाई यहाँ से सीढ़ी कहाँ से मिलेंगी यार? अरे बिल्ली के बच्चे, कैसी बकवास भरी बातें करे हो, तुम जानती भी हो क्या, तुम क्या बोल रहे हो? अरे इतने घने जंगल में क्या कहीं से भी हम कुछ भी ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि हमारा नाम है बलवान बाब का। ओ देखकर मिलना इसको बोलते है बलवान बाब का कमाल। और मिलना तुम खामा का इतनी टेंशन ले रहे हो, और मिलना अभी तो डॉन के लिए और फौजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं भैया, वो इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल होता है यार। और मिलना सही पकड़ा, और तेरे भैया के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और मिलना इस लड़ने बेबी को जल्दी से बाहर निकालता हूँ। अरे बिल्ली के बच्चे, ये कैसे बाहर निकलेंगी? अरे ये तो खुद का हाउस है ना, उसके हाउस में से ये बाहर ही नहीं निकलेंगी, क्योंकि हमें उसको खुद ही बाहर लेके जाना पड़ेगा। क्या और ये पागलों की तरह घूमे जा रही है, घूमे जा रही है? और आजा सलीन, आजा तुझे बाहर का चक्कर लगाता हूँ। भैया ओ क्या तो बात है यार, आपने तो भैया स्लेटिना को घोड़ा बना दिया यार, और उसके सर पे आप चढ़ गए यार। अरे बिल्ली के बच्चे, उसको घोड़ा नहीं, उसको गधा बनाया, देखो तो सही बल्ला कैसे गधे की तरह भागे जा रही है। उसको तो ये भी नहीं पता कि हम उसके सर के ऊपर बैठ चुके। चलो जल्दी से मेरे गधे के बच्चे, जल्दी से सामने के दरवाजे के सर में जाती है। पागल बाप के बच्चे, उसको गधा मत बोलो। और ये अच्छी स्लेटिना है, अगर ये बुरी स्लेटिना होती ना तो आप भी हमारे ढकड़ी की हो जाती। हाँ भैया बात तो आपने सही बोली है यार, मगर ग्रानी अभी तक आई क्यों नहीं यार? मिन्ना ये तो मुझे भी नहीं पता, और आखिरकार में ग्रानी ग्रांटो आती क्यों नहीं? मुझे लगता है मिन्ना वो अपने कमरे के अंदर सो रहे होंगे। अरे बिल्ली के बच्चे, अभी भी भला कोई सोने का टाइम है क्या? इतनी रात हो गई, भला वो कौन सोता है? अरे हम तो यहाँ पे जाग रहे, और ग्रानी ग्रांटो भले कैसे सो सकते? हमको उसको जगाना पड़ेगा, उसकी टकटकी करनी पड़ेगी। ओए पागल बाप के बच्चे, और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम ग्रानी से भी मुलाकात करेंगे, ग्रैंडपा से भी मिलेंगे, और उसके पेट और मगरमच्छ से भी मिलेंगे। ए भैया यहाँ पे मगरमच्छ भी होता है क्या यार? ओए पागल कहेगा, कैसी बकवास भरी सवाल करा है मिन्ना, तुझे पता भी है क्या? और मिन्ना जहाँ पे ग्रानी ग्रैंडपा रहते है ना, उधर उसका क्रोकोडाइल भी जाता है मिन्ना। मगर बिल्ली के बच्चे, आखिरकार में उसका क्रोकोडाइल होगा कहाँ? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, यहाँ पर तो कोई नाला भी नहीं है, तो नाले के अंदर से निकले या फिर ये यहाँ पे गार्डन के अंदर घूम रहा होगा। ओए पागल बाप के बच्चे, ये तो मुझे नहीं पता ये क्रोकोडाइल आएगा कहाँ से, मगर होगा जरूर, और क्योंकि यहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम गेम खेला हूँ ना, और मुझे कहाँ पता है मुन्ना। हे भैया वो बात भी आपने सही बोली यार, चलो ना भैया इसके अंदर देखते हैं यार, इसके अंदर भैया कुछ मिल जाए यार। अरे बिल्ली के बच्चे, यहाँ पे तो टेबल भी है, यानी कि चार चार टेबल, इसका मतलब ग्रानी ग्रैंडपा स्लेटिना और उसका क्रोकोडाइल भी होने वाला, ये तो पक्का ही है। और मिन्ना लगता है उस कॉफिन के अंदर चेक करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है मिन्ना। हे भैया चलो ना यार, तो फिर देख के बाद की जल्दी से जाएंगे यार कॉफिन को देखते है भैया। मगर बिल्ली के बच्चे, यहाँ से नीचे उतरोगे तब तो देखो पाओगे ना कि कॉफिन के अंदर क्या है, कॉफिन के अंदर तो वो कॉफिन वाला डांस तो नहीं होगा ना। ओए पागल बाप के बच्चे, मुझे लगता है ग्रानी ग्रैंडपा कॉफिन डांस करने वाले। अरे बिल्ली के बच्चे, क्या बकवास भरी बात ही करे हो दोस्तों, आपको लगता है क्या ग्रानी ग्रैंडपा कॉफिन डांस करेंगे? अगर लगता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया ना, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, जल्दी से आपको बलवान बाब बोलना है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबकी कर दो ठक्कर टिकट कर जाओ। और पागल बाप के बच्चे, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, और हमारे दोस्त अच्छे दोस्त है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे मिन्ना। हाँ भैया ये तो मुझे भी पता है यार, अपने लोग बहुत ही अच्छे लोग है यार। अरे बिल्ली के बच्चे, अगर अच्छे लोग है ना तो फिर बोलने की तो जरूरत ही नहीं है ना, चलो जल्दी से कॉफी डांस करते जाऊँ। और रुको बाप रुको, और इतना भी आसान काम नहीं है कॉफी डांस को करना, और उससे पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर मुन्ना देखना पड़ेगा, ऊपर सीढ़ी तो नहीं ना। हे भैया तो चलो ना यार ऊपर वाले रूम में ही, जहाँ पे स्लेटिना की फोटो है यार, और भैया उसका टेडी भी है यार। अरे बिल्ली के बच्चे, तुम वापस से ऊपर क्यों आ गए? अरे ऊपर तो स्लेटिना बेबी का टेडी है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, नीचे उतर जा बउआ, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं लेने के देने और जोश में उसको बैठे हो।
ओए पागल बाप के बच्चे, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। और मैं कहीं जोश में होशनी खो बैठा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अरे बिल्ली के बच्चे, तो फिर पता है तो क्या करो, जल्दी से लंडिना को ढूंढो ना, उसकी ग्रानी ग्रांटू को भी ढूंढ के निकालो, तब मैं मानूंगा कि तुम असली वाले प्रो प्लेयर हो। क्या ओए मुझे लगता है दोस्तों अभी ये गेम पूरी कंप्लीट बनी नहीं है, और तो आज की गेम यहीं पे रखते हैं। और कैसी लगी आपको गेम, जल्दी से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ और कमेंट भी कर देना। ओह तो फिर चलो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से आप लोगों को शाउट आउट दे देता हूँ। तो आज का शाउट आउट मेहमान डॉग की तरफ से मेरी छोटे से नन्हे से प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए टक टिकी और इक्का वाला शाउट आउट।